Welcome to my channel Quick and Tasty. Please subscribe my channel and like the video. आज हम सीखेंगे वेज सैंडविच बनाना, वो भी सिर्फ दो मिनट में। इसके लिए हमें ज़रूरत है दो ब्रेड स्लाइस की और जो भी स्प्रेडिंग्स आपके पास हैं। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस को एक ब्रेड पे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद आपके पास जो भी वेजिटेबल हैं, जो भी आप डालना चाहते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर प्याज और टमाटर का यूज़ किया है। ये देखिए, इस तरह से हम प्याज और टमाटर को स्लाइस पे रख लेंगे जिस तरफ हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो मत लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी चटनी का ऐड कर सकते हैं वहाँ पर। इस तरीके से लगा लिया। हम यहाँ पर मिक्स हर्ब का यूज़ कर रहे हैं, आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो आप चाट मसाला थोड़ा सा डाल दीजिए। इसके बाद हम दूसरे ब्रेड पे मेयोनीज लगाएंगे, थोड़ी सी एग्लेस, मैंने एग्लेस मेयोनीज का यूज़ किया है। और इसके ऊपर हम फिर से बर्गर स्प्रेड है मेरे पास एक और, मैं वो लगाऊंगी। आपके पास जो भी स्प्रेडिंग है आप वो स्प्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। आपके पास स्प्रेड्स नहीं है तो आप मलाई लगा लीजिए जो थोड़ी थिक हो। इसके बाद मैं उस वेज के ऊपर इस एक चीज स्लाइस को रखूँगी और फिर थोड़ी सी सीजनिंग डालूंगी। मैंने यहाँ पे गार्लिक बेस का सीजनिंग ऐड किया है, आप चाहें तो काली मिर्च डाल लीजिए अगर आपके पास सीजनिंग नहीं है। और इस तरीके से मैं उसे ढकूंगी सैंडविच जैसा और फिर इसे तवे पर बटर थोड़ा थोड़ा डाल के सेक लूँगी। लो फ्लेम पे सेकेंगे तो ये सैंडविच काफ़ी कुरकुरा होगा। इस तरीके से हम अलट पलट के दोनों तरफ से सैंडविच को सेक लेंगे। इसे कट करके इसे टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, प्लेट में सर्व कर लेंगे। केचप के साथ खाइए, ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी यमी होती है, क्रिस्पी होती है। और देखा कितनी झटपट बन गई। तो ऐसी ही झटपट रेसिपी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना कमेंट सजेशन बॉक्स। थैंक यू।